हेलो एवरीवन वेलकम टू स्पेशल स्टडी विद्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है ई एम आर एस रिक्रूटमेंट दो हज़ार तेईस एंड चौबीस से जुड़ा हुआ दो अर्जेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और दोस्तों इसी हफ्ते आपका आखिरी मौका है नए कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा इस वैकेंसी के लिए तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शली रूप से शेयर किया जाएगा यहाँ पे देख लें दोस्तों ई एम आर एस ट्राइबल गवर्नमेंट डॉट ऑफिशियल वेबसाइट में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से यहाँ पे देख लें दो तीन दो हज़ार चौबीस में यहाँ पे देख लें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था अपॉइंटमेंट को लेकर जो पहली नोटिफिकेशन जारी की गई है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से यहाँ पे देख लें ईम आर एस स्टाफ सेलेक्शन एग्जामिनेशन 2023 में यहाँ पे देख लें जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था यहाँ पे कैंडिडेट के रोल नंबर देख लें डाक्यूमेंट जो रिक्वायर रहेंगे डीबी के लिए और देख लें जो इंटरव्यू की डेट रखी गई है मंडे 13 मई 2024 इनके अलावा देख लें क्या क्या रिक्वायरमेंट बी एड की डिग्री अ कॉपी आप एलॉन्ग विद ओरिजिनल बी एड डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट रिकॉर्ड भी सबमिटेड करके लेकर जाना होगा और कैंडिडेट अपने रोल नंबर चेक कर लें साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे देख लें जैसे ओ वाले हैं तो सर्टिफिकेट के साथ साथ बी की डिग्री भी अनिवार्य रहेगी तो तेरह मई दो को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा किसी में सी की डिग्री रिक्वायरमेंट मांगे तो या नो सी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट मांगा गया है देख लो 19 पेजों की नोटिफिकेशन जारी की गई है और लगभग कैंडिडेटों को 13 मई 2024 को ही बुलाया गया तो कैंडिडेट अपने रोल नंबर को जरूर से ज़रूर चेक कर लें इनके अलावा देख लें टोटल जो कैंडिडेट हैं शामिल किए गए हैं इस पोस्ट कोड के लिए तो देख लें यहाँ पे 208 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया 13 मई 2024 में इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया देख लें एक पांच दो हजार चौबीस को जारी किया गया है रेफरेंस सेलेक्ष, स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023 स्किल टेस्ट आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं देख लें जो कैंडिडेट पंद्रह सोलह एंड सत्रह मई दो को इनको लोकेशन किया गया है जैसे पोस्ट कोर्ट के लिए तो यहाँ पे देख लें लिंक द एडमिट कार्ड बाईस वेबसाइट में किया जाएगा नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द डेट ऑफ एंड टाइम टेस्ट के लिए नो ट्राइवल एक्सपेंस एनी अदर एक्सपेंस सेल बी पेड तो सारी चीज़ें देख लें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर डिक्लेशन रिजल्ट टेस्ट जैसे तीस पाँच दो हज़ार चौबीस एंड इकतीस पाँच दो हज़ार चौबीस को कंडक्ट होंगे इनके अलावा देख लें एग्ज़ाम जो है पंद्रह मई दो हज़ार चौबीस को रोल नंबर यहाँ पर चेक कर लें पंद्रह मई दो हज़ार चौबीस को इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है जितने बासठ पेजों की नोटिफिकेशन जारी की गई है जैसे पोस्ट कोड के लिए